लेजेंड ऑफ द गॉड रियलम के इस एपिसोड को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट दिखाएं और इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा दें, क्योंकि भाई लोग लाइक्स को देख के वाकई में अंदर से काफी अच्छी फीलिंग आती है और मन भी करता है काम करने का। तो आप लोग भाई लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एनवी, ब्राइड और स्लोथ ने इन तीनों ने मिलकर एक साथ हुआ युवा के ऊपर अटैक कर दिया होता है और ब्राइड आगे बढ़ते हुए कहता है कि चलो चल के इसे खत्म करते हैं, जबकि इस तरफ एनवी काफी ज्यादा गुस्से में होती है और ये कहती है कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे ग्रीड है या नहीं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुमने जो मुझ पे अटैक किया तो तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से बच के निकल सकोगे, और तुम दोनों ने वाकई में काफी लंबे समय से मेरा दिमाग खराब कर रखा है, खासकर तुम्हारी वाइफ ने। और इतना कह के एनवी जो होती है काफी खतरनाक तरीके से अटैक करने लगती है, जबकि प्राइड भी अटैक करते हुए खुश होते हुए कहता है कि एक तरीके से तुमने मेरी ही मदद की है ग्रीड को रास्ते से हटा के, क्योंकि इस तरीके से मुझे मौका मिल गया है कि मैं 7 डेडली सिंस को लीड करूं और ये निश्चित करूं कि तुम लोग इस चीज की कीमत अपनी जिंदगी से चुकाओ। जबकि इस तरफ स्लोथ अलग ही कह रही होती है कि मेरा सारा कैट फूड खत्म हो चुका है तो अब तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, जबकि इस तरफ ग्रीड जो होता है ये अब भी उस बर्फ के अंदर कैद होता है और ये वाकई में मुंह फुला के बैठा होता है और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि मैंने तुम सभी की सारी बातें सुन ली है और मानना पड़ेगा कि तुम सभी के समी ही एक नंबर के कमीने हो और यहाँ पे सिर्फ मैं सप्रेस हुआ हूँ, मतलब कि मैं अब भी जिंदा हूँ, और एक बार जो मैं आजाद हो गया तो पक्का उन्हें इस चीज का पछतावा होगा और मैं तो उनका लीडर हूँ ना, तो आखिर ये लोग मेरी परवाह बिल्कुल भी क्यों नहीं करते हैं। जबकि सिर्फ हम देखते हैं कि युवाओं को 3 गुना ज्यादा पावरफुल डिवाइन प्रिजन के अंदर कैद किया जा रहा होता है और इस वजह से प्राइड जो होता है ये खुश होता है, वह कहता है कि चलो इस बार देखते हैं कि आखिर तुम कहाँ भाग के जाते हो और तुमने जो मुझसे पंगा लिया है तो अब तो तुम्हें मुझे एक सबक सिखाना ही होगा और बच्चे अब तुम आराम करो। और जैसे प्राइड ने अटैक किया होता है तो रोंग नियान बिंग के भी होश उड़ गए होते हैं और ये कहते हैं कि अरे नहीं यह जरा संभल के, जबकि गॉडेस ऑफ लाइफ जो होती है परेशान होते मन में कहती है कि यह वो टोंग मुझे माफ कर दो, जबकि इस चीज को देख के टांगसन भी कुछ भी नहीं कहता है। और ये जो प्राइड की पावर यह की तरफ जा रही थी इसे यह काफी खतरनाक तरीके से देख रहा होता है और तभी आसमान के अंदर काफी ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है और इस चीज को देख के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हुई मई जो होता है मुस्कुराते हुए कहता है कि बिना गॉड ऑफ इमोशन के तुम्हारा खेल तो खत्म, तो टांगसन क्या तुम अब भी हार नहीं मानना चाहते हो। तो इस पर टांगसन कुछ भी नहीं कहता है और इस तरफ जैसे धुआं हटता है तो यहाँ पे जो यहाँ की प्रोजेक्शन होती है वो भी गायब हो जाती है और इस चीज को देख के वाटर भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है कि क्या ये तो एक इल्यूजन थी, इसने तो यहाँ तक कि मुझे भी चकमा दे दिया, मतलब कि यह जो है इन तीनों के कैद से बच निकला है। और ये तीनों ही काफी हैरान होते हुए कहते हैं कि धत तेरे की ये तो एक इल्यूजन था, आखिर कहाँ गया वो। और प्राइड जो होता है वाकई में काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी से उसे ढूंढो, जबकि स्लोथ सोचती है कि वो तो भाग निकला, जबकि एनवी जो होती है ये प्राइड को मिडल फिंगर दिखाते हुए कहती है कि प्राइड वाकई में इमोशन ने तुम्हें वापस से झांसा दे दिया, तुम वाकई में एक नंबर के उल्लू हो। और फिर मैं कुछ समय पहले की एनवी की नौटंकी को दिखाया जाता है जहाँ पे इसने इन सभी को लीड करने का डिसाइड किया था और ये स्लोथ और प्राइड को ज्ञान देते हुए कहती है कि सभी लोग मेरी टैक्टिक्स को काफी केयरफुली सुनना, बैटल में मैं फ्यूनिक्स से पीछे जाऊंगी और ग्लूटनी और लस्ट के आने का रास्ता बनाऊंगी, जबकि तुम दोनों इमोशंस को हैंडल करोगे जिससे कि हम ग्रीड को रिलीज करवा सके। जिसके बाद में बैटलफील्ड के अंदर कैप्टन गॉड ऑफ एनवी को दिखाया जाता है जिसके पीछे प्लेयर नंबर 1 गॉड ऑफ प्राइड होता है और उसके पीछे प्लेयर नंबर 2 गॉड ऑफ स्लोथ होती है और कैप्टन कहती है कि अब पानी पीने का भी ब्रेक नहीं मिलेगा। तो प्लेयर 1 चलाते हुए कहता है कि आखिर क्यों मैं तुम्हारी बात सुनूं और तुम्हारे कुछ भी ऐसा करने का कोई तुक नहीं बनता है, क्या तुम्हारे अंदर किसी तरीके का वायरस चला गया है और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि 7 डेडली सिंस का कौन लीडर है, लेकिन इमोशन को तो मैं ही संभालूंगा। जबकि स्लोथ जो होती है ये कहती है कि अरे लास्ट पेज में क्या हुआ, एनवी का ऑथर के साथ कोई लफड़ा हो गया था और भाई लोग मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता बीच बीच में इनकी कौन सी कहानी चल्लू हो जाती है। लेकिन तभी एनवी गुस्सा करते हुए कहती है कि चलो भी चल के हम उन्हें अपनी 7 डेडली सिन की फुल पावर दिखाएं। तो प्राइड जो होता है गुस्से से चलाते हुए कहता है कि तुम वापिस से मेरी लाइन्स को चुरा रही हो, जबकि इस तरफ एनवी काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती और कहती है कि आखिर में एनवी ही वो खड़ी होने वाली जो कि पूरी बाजी को पलटेगी और चलो प्रीटी बॉय फिनिक्स अब तुम्हारी बारी आ गई है और आखिर कौन ही इसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड हो सकता है और समय आ गया कि अब तुम मरो और जो कोई भी मुझसे लंबा है वो मरेगा ही। और इतना कह के ये फिनिक्स के ऊपर अटैक करने लगती है और इस मोमेंट पर जो जियावू और गॉड ऑफ डिवास्टेशन जो होते हैं उनकी बैटल बीच में चल रही होती है और तभी जियावू एनवी को फिनिक्स की तरफ जाते हुए नोटिस करती है तो ये तुरंत ही उसे रोकने के लिए काफी तेजी से यहाँ से उसकी तरफ जाने लगती है। तो इस चीज को देख के गॉड ऑफ डिवास्टेशन जो होता है ये कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे
कि तुम डिवाइन पावर को इस्तेमाल करके मुझसे बच के भागो। तो अच्छा, तुम एंडी को रोकने के लिए जा रही हो, और क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझे ऐसे ही यहाँ पे छोड़ के जा सकती हो? और तभी हम देखते हैं कि जियावु जो होती है एनवी के सामने आ गई होती है। तो एनवी जो होती है गुस्से में कहती है कि तुम्हें कहीं की आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, और चलो ये भी देख ही लेते हैं कि क्या तुम काबिल हो कि तुम मुझे रोक सको। तो जियावु हंसते हुए इसका मजाक उड़ाते हुए कहती कि ओह सच में, आज जब मैं एकदम अच्छे शेप में हूँ तो आखिर तुम्हें रोकने में मुझे आसानी क्यों नहीं होगी। और जियावु की ये जो बात होती है ये एनवी के दिल पे लग जाती है और ये जियावु को गालियां देने लगती है, जबकि सिर्फ गॉड ऑफ इमोशन रोंग नियान बिंग जो होता है ये थोड़ा हैरानी के साथ कहता है कि अभी तो जियावु सी गॉड फॉर्म में है तो कुछ तो अजीब दिख रहा है। और तभी एनवी जो होती है काफी खतरनाक तरीके से अटैक करते हुए कहती है कि हायर आईक्यू अच्छे फिजिक्स से ज्यादा बेहतर होता है, और मैं समझती हूँ कि आखिर क्यों तुम मुझे ब्लॉक करना चाहती हो, और चलो अब तुम प्योर एनवी का सामना करो। और इतना कह के एनवी जो होती है काफी खतरनाक तरीके से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक जियावु के ऊपर कर देती है। तो इस अटैक को आता देख के जियावु कहती है कि एनवी चलो अब तुम अपनी भी ब्यूटी दिखाओ, क्योंकि जब से तुम यहाँ पे आई हो तब से लेके अब तक तुमने एक बार भी अपना चेहरा नहीं दिखाया है, और अब जब तुम पूरे दिन इस आयरन बॉल को पहने रहती हो तो ये सिर्फ तुम्हें ही मालूम है कि तुम सुंदर हो, और तुम तो वाकई में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल हो, जो तुम्हें यहाँ तक कि अपनी सेल्फीज के अंदर भी फिल्टर्स को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये सारी बातें एनवी के दिल पे लग रही होती है, और जियावु मन में कहता है कि मौका मिल ही गया, क्योंकि इसका जो मैजिक है वो अभी थोड़ा सा कमजोर हो गया है, और सच में टांगसन की जो ट्रिगर टेक्निक है वो सच में काम करती है। और फिर जियावु तुरंत इस मौके का फायदा उठा के एनवी के ऊपर काफी खतरनाक तरीके से गोल्डन ट्राइडेंट मिलेनियल एम्प्टी क्लाउड से काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, और वाकई में इन दोनों के अटैक से काफी खतरनाक वाला क्लैश होता है। और इस क्लैश के बाद जियावु जो होती है इसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कैसा था ये, और मैंने पूरे गॉड रियलम के अंदर अभी भी एक अनमेरिड गॉड को एक मेरिड गॉड को हराते हुए नहीं देखा है, क्योंकि जीत हमेशा शादीशुदा वाले की ही होती है, जबकि तुम तो एक अनमेरिड डॉग हो। और ये बात सीधे एनवी के दिल पे लगती है, और ये चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती हूँ, और मैं प्योर स्ट्रेंथ से तुम्हें हरा के दिखाऊंगी, और मैं अब भी तुम्हें संभाल सकती हूँ। और इतना कह के एनवी ने किसी तरह का अटैक कर दिया होता है, जबकि जियावु ने भी काउंटर में अपनी रिंग से अटैक कर दिया होता है, जबकि एनवी को इन गोल्डन रिंग्स ने पकड़ लिया होता है। तो एनवी कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि आखिर ये कब तक मुझे रोक के रख पाती हैं, जबकि सिर्फ एनवी के अटैक की वजह से जियावु को काफी दिक्कत हो रही होती है, और इधर भई आवाज में कहती है कि अरे नहीं, इसे हराने में जितना सोचा था उससे ज्यादा समय लग रहा है। और तभी एनवी कहती है कि कितनी बुरी बात है कि तुम हार गई हो, और क्या तुम ये भूल गई थी कि यहाँ पे हम दो थे। और तभी हम जियावु के पीछे किसी को काफी तेजी से इसकी तरफ आते हुए देखते हैं, जो कि गॉड ऑफ डिवास्टेशन होता है, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में इसी की तरफ आते हुए कहता है कि सप्रेस होने की अब तुम्हारी बारी है। और गॉड ऑफ डिवास्टेशन को आता देख गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खुश होते हुए मन में कहता है कि जियावु टांगसन की कमजोरी है और हम काफी ज्यादा आसानी से जीत जाएंगे अगर बस हमने इसको सप्रेस कर दिया तो। और हुई में कहता है कि मैं चीजों को यहाँ तक घसीटना नहीं चाहता हूँ, और अभी भी काफी देर नहीं हुई है हमारे लिए हार मानने के लिए, जबकि सिर्फ टांगसन कुछ भी नहीं कहता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि जो गॉड ऑफ डिवास्टेशन होता है ये काफी खतरनाक तरीके से अपने सिल्वर हैमर से अटैक करते हुए कहता है कि मुझे दोष मत देना आप कठोरता को दिखाने के लिए। और इतना कहकर इसने वाकई में काफी खतरनाक वाला अटैक जियावु के ऊपर कर दिया होता है। तो जियावु भी इसके ऊपर बाउंडलेस ग्राउंड वर्जिंग से काउंटर अटैक कर दिया होता है, जबकि इस तरफ सेंगमिंग को भी जियावु की चिंता होने लगती है। लेकिन तभी एनवी भी पीछे आते हुए कहती है कि चलो इसे मिलकर खत्म करते हैं। और जैसे इन दोनों अटैक्स का क्लैश होता है तो यहाँ पे काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है, और इस चीज को देख के सभी लोगों को जियावु की चिंता होने लगती है, जबकि इस तरफ गॉड ऑफ इमोशन सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या टांगसन ये सारी चीजें नहीं देख पा रहा है, जबकि इस तरफ गॉडेस ऑफ लाइफ को वाकई में जियावु की काफी ज्यादा चिंता हो रही होती है। लेकिन तभी टांगसन जो होता है ये खुश होते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हुई में क्या तुम जानते हो मैं हमेशा ही यही सोचता हूँ कि आखिर तुम इतने ज्यादा नेव कैसे हो सकते हो, जबकि इस तरफ हुई में कहता है कि इतनी जल्दी हार मान ली। और ये परेशान होते हुए मन में कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिर तुम इसके बाद भी कुछ और करने की कोशिश करोगे। रुको, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इसे बैड फीलिंग ना आए, वो भी तब जब इसकी बीवी के ऊपर इतना खतरनाक अटैक हुआ हो, क्या ऐसा हो सकता है। और इतना कहते हुई में काफी तगड़ा वाला झटका लगता है, और ये जियावु की डायरेक्शन में देखते हुए काफी ज्यादा हैरानी के साथ मन में कहता है कि नहीं ये नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे जो गॉड ऑफ डिवास्टेशन ने अटैक किया था वो जियावु के ऊपर नहीं बल्कि एनवी के ऊपर किया था, जिसकी वजह से एनवी जो है वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई है और क्या पता मर भी गई हो, क्योंकि डिवास्टेशन के अटैक की वजह से एनवी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गई, जिसकी वजह से इसका काफी खून भी निकल रहा है। और डिवास्टेशन को देख के हुई में काफी परेशान होते हुए मन में कहता है कि गॉड ऑफ डिवास्टेशन तुमने मुझे धोखा दिया।
और फिर गॉड ऑफ डैमेज जो होता है अपनी पुरानी बातों का याद करते हुए कहता है कि गॉड रियलम के अंदर एंटर करने से पहले मेरा सामने काफी खतरनाक और विशाल विनाश से हुआ था, और वो जो दुश्मन थे मेरे लिए काफी ज्यादा ताकतवर थे, जहाँ पे मेरे साथ ही बारी बारी करके खत्म हो रहे थे, और आखिर में मैं बस एक लौता रह गया था, और उस समय मैंने अपना सारा प्राइड खो दिया था जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर इकट्ठा किया था, और जैसा कि मैंने सोचा था सब कुछ खत्म होने ही वाला था। लेकिन तभी अचानक से उस अंधेरी दुनिया में पहली बार एक उम्मीद की किरण दिखी, और उस लाइट के अंदर से एक शेडो फिगर मेरे सामने निकल के आई, और इस समय ही इसकी पहली मुलाकात टांगसन से हुई थी, जहाँ पे इसने पहली बार इसे देख के मन में कहा था कि क्या तुम जिंदगी हो, और लगता है कि तुम खुद ही एक लाइट हो, और तुम तो बिल्कुल लेजेंड्स के समान हो। और इन्हीं बातों को याद करते हुए कहता है कि उस मोमेंट पे ये परियों की कहानी वाला हीरो जैसा अपीयर हुआ, और मेरे दिल को इसने अंधकार की दुनिया से बचाया था और उम्मीद की एक नई किरण दी। और टांगसन ने इससे कहा था कि यहाँ तक कि वैसे तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन तुम एक लौते हो जिसे मैं एडमायर करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस तरीके से नहीं मरने दूंगा, और अगर भाग्य में लिखा होगा तो हम दोबारा से जरूर मिलेंगे, और टांगसन उस दिन तुमने जो मुझे ग्रेस दिखाया था उसे मैं कभी भी नहीं भूल सकूंगा। जबकि इस नजारे को देख के लश्ट ज्योति काफी हैरान होती है और मन में कहती है कि आखिर अभी अभी अचानक से ये क्या हुआ, क्या मैंने जो देखा वो सही था, और मुझे सच में विश्वास नहीं हो रहा है कि डैमेज ने अभी अभी एनवी को सप्रेस किया है। और तभी इनमें से कोई कहता है कि डैमेज आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसे करना बंद करो। जबकि इस तरफ फायर भी काफी हैरान होता है और कहता है कि आखिर अचानक से अभी अभी ये क्या हुआ, और आखिर इसने ऐसा क्यों किया। और डैमेज के ऐसा करने की वजह से गॉडेस ऑफ लाइफ और व्रेथ जो होते हैं ये दोनों ही काफी हैरान होते हैं, जबकि इस तरफ गॉड ऑफ डैमेज ने एक ही अटैक में लस्ट और ग्लूटोनिक इन दोनों को ही सप्रेस कर दिया होता है, और इसे ऐसा करता देख के हुई में भी काफी ज्यादा हैरान होता है। और गॉड ऑफ डैमेज ने अभी अभी ये जो किया है इस चीज को देख के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं, जबकि प्राइड कहता है कि इसने तो एक ही बारी में सभी को रास्ते से हटा दिया। जबकि इस तरफ हुई में को वाकई में गॉड ऑफ डैमेज के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और ये कहता है कि डिवास्टेशन आखिर क्यों तुम्हें मुझे धोखा देना पड़ा। जबकि इस तरफ गॉड ऑफ डैमेज जो होता है ये अपने चेहरे पे से अपना मास्क उतार देता है और ये कहता है कि डिस्ट्रक्शन मुझे माफ कर दो, इस डिसीजन को लेने में मैंने भी काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है, और जब मैं पहली बार गॉड रियलम के अंदर आया था तो तुमने जो मुझे ट्रेन करके अपनी काइंडनेस दिखाई थी तो उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन और ये आगे कुछ कह पाता उससे पहले ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो होता है ये कहता है कि बहुत हुआ, जितना तुम्हें कहना था तुमने उससे ज्यादा ही कह दिया है। और वाकई में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को काफी बुरा लगा होता है, और टांगसन कहता है कि डिस्ट्रक्शन ये सब कुछ करना बंद कर दो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही जिद्दी बने रहते हो और इसे जारी रखते हो तो बस तुम्हारी एक काफी बड़ी हार इंतजार कर रही है। जबकि इस सब गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को वाकई में काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और ये कहता है कि इतना भी ज्यादा खुश मत हो, इसने जो धोखा दिया है वो इस चीज को ही दर्शाता है कि तुमने इसे अपने जाल में फंसा लिया है, और मैं इसकी वजह से हार मान लूं तो बस तुम इस चीज के ख्वाब ही देखते रहो, और तुमने पहले ही बहुत कुछ कर लिया है, इसलिए बस मुझे तुम्हें खत्म करने की जरूरत है, और अंत में एकलौता मैं ही हूंगा जो कि टॉप तक पहुंचेगा। और क्या था, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो होता है अपनी पावर का इस्तेमाल करके डिस्ट्रक्टिव पावर का एक काफी बड़ा बवंडर बनाता है जो कि हेवन एंड अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, और इस डिस्ट्रक्शन के बवंडर ने चारों तरफ तबाही मचा दी होती है। और इस चीज को देख के फायर भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि डिस्ट्रक्शन तो अपनी डिस्ट्रक्शन ऑफ हेवन एंड अर्थ स्किल को इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो स्किल है ये असुरा स्वॉर्ड के टक्कर की है। जबकि सिर्फ जियावु को टांगसन की काफी चिंता होने लगती है, लेकिन तभी रोंग रोंग जो होती है ये अपनी पावर्स को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि उसके साथ कुछ हो ऐसा होने का तो सवाल ही नहीं उठता है, मैं जाके जल्दी से टांगसन की मदद करती हूँ। और इतना कह के रोंग रोंग जो होती है अपने नाइन्थ रेजर ग्लेज टाइल पकौड़ा को समन करती है और इसकी नाइन्थ टायर की स्किल को इस्तेमाल करती है जो कि डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन होती है, और ये जो डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन होती है काफी तेजी से डिस्ट्रक्शन स्ट्रॉम के अंदर जाने लगती है। जबकि इस तरफ प्राइड चिल्लाते हुए कहता है कि नाइन कलर गॉडेस तो वापिस से आ गई, लेकिन आखिर ये इस बारी कौन सी अजीब सी स्किल को इस्तेमाल कर रही है, स्लोथ सोना बंद करो, ये वापिस से टांगसन की पावर को बढ़ाने वाली है, इसे जल्दी से जाके रोको, और हम किसी भी हालत में लॉर्ड को डिसएडवांटेज में नहीं जाने दे सकते हैं। और प्राइड इस पगोड़ा को डिस्ट्रॉय करने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी कोई पीछे से इसे चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, और जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं क्योंकि इनकी तरफ असुरा सोड आ रहा होता है। और इसे देख के परेशान होते हुए कहता है कि ये फूड गॉड दोबारा से आ गया, लेकिन चलो जल्दी से पहले एक डिवाइन बैरियर को साथ में लॉन्च करते हैं, और आखिर कैसे ये असुरा गॉड की स्किल्स को लगातार इस तरीके से अनलीज कर सकता है, और बिना हमारे लॉर्ड के सवाल ही नहीं उठता है कि हम इसके असुरा सोड के सामने टेक जाएं। जबकि इस तरफ ऑस्कर जो होता है ये मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि इसने जो असुरा सोड
रॉबर्ट से अटैक किया था वो हवा में ही गायब हो गया होता है और ये मजे लेते हुए कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था और इन इडियट्स को सताने में वाकई में काफी ज्यादा मजा आता है। जबकि इस तरफ स्लॉथ और प्राइड का इन दोनों का ही पोपट हो गया होता है और इस बारी वाकई में प्राइड का काफी तगड़ा वाला दिमाग खराब हो जाता है और ये काफी गुस्से में कहता है कि इस बारी अब मुझे कोई भी नहीं रोकेगा क्योंकि मैं इस हलवाई एक भरता बनाने वाला हूँ। जबकि इस बारी तो स्लॉथ को भी गुस्सा आ गया होता है लेकिन ऑस्कर अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और इन्हें चिढ़ाने लगता है और कहता है कि तब मैं तो आ जाओ और ऑस्कर जो होता है ये चढ़ाते हुए किसी के पीछे छिप रहा होता है। जबकि इस तरफ प्राइड गुस्से में कहता है कि ये कुत्ता कमीना सच में काफी ग्रीवी चाले चलता है और स्लॉथ प्लीज मेरी मदद करो इसको रास्ते से हटाने में और चिंता मत करो इसके बदले में मैं तुम्हारे गेस्ट हाउस की एक महीने तक सफाई करूंगा। इसके लिए स्लॉथ भी मान जाती है और कहती है कि सच में काफी ज्यादा काम है लेकिन कोई ना सब किया जाएगा और मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगी जिससे कि तुम बाद में अपनी ड्यूटीज अच्छे से करो। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ऑस्कर के सामने यहाँ आ गया होता है जबकि इस तरफ ऑस्कर पीछे छिपते हुए कहता है कि तुम लोग चाह के भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकते हो और इस चीज को सुन के प्राइड जो होता है हंसते हुए कहता है ओ सच में और ये वाकई में काफी बढ़िया बात हुई जो तुम भी यहाँ पे आ गए क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ भी अपने पहले के मैटर को सोल्व कर सकूंगा और इमोशन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम खुद ही मेरे पास चल के आ जाओगे और इस बारी सच में कोई भी तुम्हें मुझसे नहीं बचाने वाला है। लेकिन तभी हवा में किसी तरीके के वेपन को देख के प्राइड की जान हलक में अटक गई होती है और ये काफी परेशान होते मन में कहता है कि आखिर अचानक से मेरी सोल क्यों ऐसे कांपने लगी। गॉड ऑफ इमोशन भैंस की टांग आखिर तुम्हारे हाथ में अभी क्या है जिसकी वजह से मेरी सोल के अंदर इतनी बुरी तरीके से डर बैठ गया और ऐसा दिख रहा है कि इसकी जो रिंग्स हैं वो इसके साथ कनेक्ट हो रही हैं और आखिर इस नाइफ के अंदर किस तरह की पावर है जिसके वजह से इसके अंदर से इतना ज्यादा टेरर का ऑरा आ रहा है। जबकि इस तरफ हम युहा के हाथ में घोस्ट कार्विंग डिवाइन ब्लेड को देखते हैं जबकि इस तरफ प्राइड कहता है कि हे अगर हमने जल्दी नहीं की तो नाइन कलर गॉडेस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। तो स्लॉथ जो होती है ये कहती है कि अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो जाओ आगे। तो प्राइड जो होता है ये कहता है कि क्या ऐसा हो ही नहीं सकता है और मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जो इसके खिलाफ जाके इतना बड़ा खतरा मुंह मोड़ ले वो भी तब जब इसके हाथ में वो चीज है धत्तेरे की वो जो बफिंग स्किल है वो तो काफी तेजी से सीधे टांगसन की तरफ जा रही है और हमने वाकई में काफी ज्यादा देर कर दी है और इस चीज को आते हुए हुई में भी नोटिस कर लेता है। लेकिन ये जो डिवाइन लाइट प्रोटेक्शन होती है ये टांगसन तक पहुंच गई होती है और इसकी प्रोटेक्शन मिलते ही टांगसन मन में कहता है कि रॉन्ग रॉन्ग तुम्हारी एकदम परफेक्ट टाइमिंग है क्योंकि अभी मेरी जो डिवाइन पावर है उसके हिसाब से मुझे भी अभी नहीं लगता है कि मैं इस टेक्निक को हैंडल कर पाऊंगा। जबकि इस तरफ हुई में जो होता है अपनी टेक्निक को काफी खतरनाक तरीके से इस्तेमाल करते हुए कहता है कि ये बच्चों का खेल बहुत हुआ क्योंकि अब ये सब बेकार है और ये जो सारा स्ट्रगल है ये प्योर डिस्ट्रक्शन के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और टांगसन तुम्हारा अंत तय है। और इतना क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो होता है ये काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से डिस्ट्रक्शन ऑफ हेवन एंड अर्थ एपोक्लिप्स से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक कर देता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।